हेलो दोस्तों, डेटा सानू के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों बैकग्राउंड बिल्कुल भी इग्नोर करो, वीडियो बिल्कुल भी ऑनकट बनने वाला है। दोस्तों आपको पता है मेरा एक्सीडेंट हो गया और पैर में भी बहुत ही ज़्यादा इतना ज़्यादा चोट आया कि मैं खड़ा नहीं हो सकता हूं। तो इसलिए आपको जैसे ही तैसे आपको वीडियोज़ देना है तो दे देता हूं। तो इसलिए थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना 10-12 दिन, उसके बाद आपको रेगुलर अच्छे अच्छे कंटेंट मिलते रहेंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओप्पो की तरफ से नया स्मार्टफोन के बारे में जो लॉन्च हुआ है 8,500 रुपये में। दोस्तों ये स्मार्टफोन का नाम है ओप्पो A1K स्मार्टफोन। दोस्तों 8,500 रुपीस के आसपास ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है। हम आज वीडियो में बात करने वाले हैं उसका स्पेसिफिकेशन क्या क्या होने वाला है और आपको ये स्मार्टफोन लेना है या नहीं। दोस्तों इसमें आपको 6.2 इंच का आपको डिस्प्ले देखने में मिलेगा HD+ के रेजोल्यूशन के साथ, और यहाँ पर आपको वाटर ड्रॉप लाइक आपको नॉच डिस्प्ले देखने में मिलेगा। गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन ये स्मार्टफोन में देखने को नहीं मिलता है। मीडियाटेक का P22 वाला आपको चिपसेट देखने को मिल जाएगा जो एक 12 नैनोमीटर का ऑक्टाकोर चिपसेट है। दोस्तों ये चिपसेट तो ठीक ठाक है, बहुत ही ज़्यादा बैटरी एफिशिएंट भी है, 8,500 रुपीस में ही ये ठीक ठाक प्रोसेसर भी है। और यहाँ पर आपको 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, 4000 mAh का यहाँ पर आपको बैटरी देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आपको 2x फास्ट चार्ज देखने को मिलेगा। दोस्तों 2x फास्ट चार्ज जैसा मुझे लगता है नॉर्मल आपको 10W का चार्जिंग देखने को मिलेगा, क्योंकि नॉर्मल चार्जिंग 5W का होता है, तो यहाँ पर आपको 2x फास्ट चार्ज लिखा हुआ है, तो मुझे लगता है दोस्तों 10W का चार्जिंग देखने को मिलेगा। माइक्रो यूएसबी पोर्ट देखने को मिलेगा। दोस्तों कलर वाइज 6.0 देखने को मिल जाएगा, एंड्रॉइड पाई भी आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों इस स्मार्टफोन के बारे में मेरा ओपिनियन की बात करूँ तो लेने लायक नहीं है, क्योंकि 8,500 रुपीस में 2GB का रैम, 32GB का इंटरनल मेमोरी, आपको तकरीबन 8,500 रुपीस में दूसरे स्मार्टफोन जो ऑफलाइन मार्केट को फोकस करते हैं आपको तकरीबन 3GB रैम प्रोवाइड करा देते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ 2GB का रैम मिलता है और सिंगल आपको 8 मेगापिक्सल का शूटर देखने को मिलता है। तो मेरे लिए दोस्तों मैं आपको यही बोलूँगा कि बिल्कुल भी स्मार्टफोन को इग्नोर कीजिए, 8,500 रुपीस में बिल्कुल ये स्मार्टफोन वर्थ नहीं है। पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ आता है, कैमरा भी इतना ज़्यादा खास नहीं होगा, 5 मेगापिक्सल का कैमरा होगा। तो मेरे मान के चलिए दोस्तों रियलमी का C2 ले लीजिए, उसका एक सब ब्रांड है जो ऑनलाइन को फोकस करता है। और ऑफलाइन में स्मार्टफोन लेना है तो इन्फिनिक्स का टेक्नो का एक स्मार्टफोन आया था, लॉन्च हुआ था मीडियाटेक का P20 P22 के साथ, इसमें आपको 3GB का रैम मिलता है, वो इससे बेटर है ऑफलाइन मार्केट में। तो ये स्मार्टफोन मैं नहीं सोचता हूँ 8,500 रुपीस में आप 2GB रैम आप काम चला सकते हैं। क्यों दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर आपको कलर ओएस 6 मिलता है जो बहुत ही ज़्यादा हैवी कस्टमाइजेशन ओएस है, UI है, तो 2GB का रैम कैसे हैंडल करेगा ये देखने वाली बात है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बैकग्राउंड सारे कुछ को इग्नोर कीजिए, क्योंकि मैं वीडियोज़ भी ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है मुझे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, तो एक्सीडेंट हो गया है। तो 10-12 दिन में अगर ठीक हो जाऊँ आपके लिए रेगुलर अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए देता रहूँगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।